अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन। मेरे यूट्यूब चैनल नसरीन किचन पर आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी चटनी। दही वाली हरी चटनी बनाऊँगी मैं, और दही वाली लाल चटनी बनाऊँगी। यह बहुत ही टेस्टी होती है और इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ खा सकते हैं। ये दोनों तरीके की चटनी बनाऊँगी मैं। इसको एग रोल के साथ खा सकते हैं, चिकन रोल के साथ खा सकते हैं, सैंडविच के ऊपर भी लगा सकते हैं इसको, और किसी भी तरीके के पकोड़ों के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं दही वाली हरी चटनी और लाल चटनी। इसके लिए सबसे पहले हमें एक जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे ये अदरक का टुकड़ा, एक कटा हुआ रफली काट लिया है हमने, आधा इंच होगा अदरक ये, और 6-7 जवे लहसुन के छोटे छोटे, बड़े हों तो आप कम ले लें, और ये 3 हरी मिर्च ली हमने, इनके दो दो पीस कर लिए, और ये हरा धनिया हमने रफली काटा है ये डालेंगे। ये हरा धनिया डाल दिया है हमने सारा, आधा चम्मच नमक डालेंगे, दही डालेंगे हम इसमें 2 बड़े चम्मच भर के, और इसको हम मिक्सी में चलाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, आप चाहें तो साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, मैंने 2 चुटकी जीरा पाउडर डाला है ये। अब हमें इसको मिक्स तैयार है, आप देख सकते हैं दही वाली हरी चटनी। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, ये हमारी चटनी पीस के तैयार है, दही की हरी चटनी। अब हम लाल चटनी, ये हमने एक जार ले लिया है, इसमें डालेंगे अदरक कटा हुआ आधा इंच का टुकड़ा, और एक लाल मिर्च, फ्रेश लाल मिर्च है जो फ्रिज में रखी हुई लाल हो जाती है, और ये एक छोटी सी प्याज रफली काट ली हमने, और ये एक मीडियम टमाटर, अगर आपका टमाटर छोटा हो तो आप 2 ले लें। आधा चम्मच नमक जाएगा इसमें, 2 चुटकी जीरा पाउडर जाएगा, और दही जाएगी इसमें ये 2 बड़े चम्मच भर के। अब हम इसको मिक्सी में चला लेंगे, ये हमने इसको एक बार चला लिया है हल्का सा। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच, और इसको हम दोबारा, लाल चटनी भी तैयार है। ये देखिए दही की लाल चटनी और हरी चटनी दोनों तैयार हैं, ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, ये हमने इसको बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। ये देखिए हमारी दोनों हरी और लाल दही की चटनी बहुत यम्मी टेस्टी बन के तैयार है। इसको किसी भी एग रोल के साथ, चिकन रोल के साथ, पकोड़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएंगे, ये बहुत अच्छी लगेगी। मैंने आज आलू के परांठे बनाए हैं, हम उसके साथ इसको खाएंगे, उसके साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है ये, बहुत मज़े की हैं। तो फिर बनाइए आप भी मेरे इस तरीके से, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।